फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट क्राफ्ट। आज मैं आपको SMD LED मॉड्यूल के बारे में बताने वाला हूँ। इस मॉड्यूल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसे सोलर पैनल, बैटरी अडैप्टर या फिर रिचार्जेबल बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास ओसवाल कंपनी का SMD LED लाइट मॉड्यूल है। जिसमें टोटल 84 SMD LED हैं, वर्टिकल 6 और हॉरिजॉन्टल 14। यहाँ पर ओसवाल कंपनी का स्टिकर भी लगा हुआ है। बैक साइड में फुल एल्युमिनियम बॉडी है। यहाँ पर मेरे पास टोटल 2 SMD LED मॉड्यूल हैं, दोनों सेम साइज एंड सेम रेटिंग के। यहाँ पर हम सिंगल SMD मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 वायर हैं, वन इज रेड एंड अदर इज ब्लैक। रेड वायर पॉजिटिव है और ब्लैक वायर नेगेटिव है। मेरे पास अभी 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडैप्टर है। आप 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडैप्टर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि अडैप्टर एंड LED मॉड्यूल के कनेक्टर्स आपस में मैच नहीं हो रहे। उसके लिए हम यहाँ पर एक कनेक्टर यूज़ करेंगे। इस कनेक्टर में पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस साइन दी हुई है। यहाँ पर पॉजिटिव में रेड वायर और नेगेटिव में ग्रीन वायर अटैच करेंगे। यहाँ पर हम इसकी नॉर्मल टेस्टिंग करके लाइट की इंटेंसिटी चेक कर लेते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए LED लाइट एंड LED स्टैंड की कॉस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बट हम यहाँ पर LED स्टैंड बनाने के लिए सेल्फी स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्फी स्टिक की हेल्प से हम LED लाइट को इजीली 360 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोटेट कर सकते हैं। अभी हम इसकी सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप इजीली देख सकते हो कि इस नॉर्मल LED मॉड्यूल की लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर आपने एक LED मॉड्यूल की जगह पर 2 LED मॉड्यूल यूज़ कर लिए एक दूसरे के सामने सामने, तो आपको कोई भी कॉस्टली LED मॉड्यूल या LED स्टैंड या फिर पूरी LED सेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल टैलेंट क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स।